Yes. पेपर फर्स्ट इज रिगार्डिंग योर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, आपकी शिक्षण अभिवृत्ति को चेक करने के लिए। आई टेक, मैं जो लेने जा रही हूँ वो आपका है फर्स्ट चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड यू हैव 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट ऑफ 10 मार्क्स। एंड एज योगेश्वर सेड, ओनली ओनली अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैज टू बी पुट ऑन इन द एग्जामिनेशन। सो वी हैव ओवर स्टडी ऑफ ओवरव्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट। इफ वी वॉन्ट टॉक अबाउट टीचिंग, वट इज टीचिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीचिंग की बात करेंगे। टीचिंग क्या है? टीचिंग, अगर हम टीचिंग को देखें, इट इज अ कॉम्युनिकेशन, इट इज अ इंट्रैक्शन प्रोसेस बिटवीन द टू एंड द मोर पर्सन्स हु आर इन्फ्लुएंस ईच अदर इन देयर आइडियाज और इन देयर लर्निंग समथिंग फ्रॉम वन एंड अदर। इफ यू टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन इंट्रैक्शन प्रोसेस, टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ मोर मेच्योर पर्सन इंट्रैक्ट विद द लेस मेच्योर पर्सन। टीचिंग इज अ फुल ऑफ ए माइंड, फिल द माइंड ऑफ ए लर्नर बाई गिविंग दैम इंफॉर्मेशन नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स फॉर द फ्यूचर यूज। टीचिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ एजुकेशन प्रोसेस। अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर हम शिक्षा की बात करें, तो हमारा टीचिंग क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। शिक्षण, शिक्षण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे शिक्षा का। शिक्षक कहते हैं ना, एक लाइट हाउस है, एक गाइडेड है, फैसिलिटेटर है, एक फिलोसोफर है जो हमें एक लर्नर को, सीखने वालों को रास्ता दिखाता है। तो टीचिंग क्या है? एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट इज नॉट एन एक्ट, नॉट ए ड्रामा, इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस इन विच में प्रोसेस, क्यों? इसके अंदर प्लानिंग है। प्लानिंग मीन्स वो टीचर अगर क्लास में आता है तो पहले लेसन प्लान करता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है क्लासरूम में जाकर, देन इवेलुएट हिज टीचिंग प्रोसेस, इवेलुएट हिज टीचिंग आफ्टर गिविंग योर इवेलुएशन प्रोसेस। इसके बाद लास्ट होता है वो फीडबैक। फीडबैक के बाद फिर दोबारा प्लानिंग पे आते हैं, रेमिडियल टीचिंग्स होती हैं। ये सब एक प्रोसेस में चलता है, इसलिए बोलते हैं टीचिंग इज अ प्रोसेस। टीचिंग की बात करें, टीचिंग इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। इट्स अ स्पेशल फंक्शन इज टू इम्पार्ट नॉलेज, डिवेलप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स अमंग द लर्नर्स। अगर हम डेफिनेशंस पर जाएं, अकॉर्डिंग टू गेज, टीचिंग इज अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट कॉजिंग द बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अगर एटीट्यूड की बात करें, एटीट्यूड इज अ नेचुरल प्रोसेस टू डू समथिंग। अ टीचिंग एटीट्यूड की बात करें तो हम बात करते हैं टू आवर नेचुरल कैपेसिटी, आवर नेचुरल एबिलिटी टू डू द टीचिंग। तो ये अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, वुड बी प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, वुड बी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर कितनी क्षमता है एक अच्छा टीचर बनने की, एक अच्छा, क्योंकि एक अच्छा टीचर बनने के लिए उसके अंदर उसके अंदर सभी गुण आने चाहिए, सभी करेक्टर स्किच आने चाहिए जो एक टीचिंग में आप अभी पढ़ेंगे। एच सी मॉरिसन की बात करें, उन्होंने कहा है टीचिंग इज अ इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द मोर मेच्योर पर्सन एंड द लेस मेच्योर पर्सन। अगर हम जैक्सन की बात करें 1961, टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर। फेस टू फेस एनकाउंटर, एनकाउंटर मीन्स किसी इवेंट से मिलना, एनकाउंटर बिटवीन द टू और ए मोर पर्सन्स टू होम वी कैन डू एनीथिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड ओवर, अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर की बात करें तो इसमें आपको ओवरऑल एवेल्युएट करेंगे टीचिंग कंसेप्ट क्या होता है, टीचिंग्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, और इसे और करेक्टर्स, बेसिक फीचर्स एंड नेचर ऑफ टीचिंग क्या है, और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है टीचिंग की। हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट कर रहे थे, डेफिनेशंस कर रहे थे, उसमें आपके दो डेफिनेशन और ऐड करते हैं। रे बार्न के द्वारा कहा गया, टीचिंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन विच इन विच कीप अ चाइल्ड टू डिवेल्प द ऑल पार्ट ऑफ देयर नॉलेज।
अगर बीओ स्मिथ का व्यू देखें हम, तो सिस्टम ऑफ एक्शन, इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन, नॉट अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम, मतलब एक प्रॉपर एक्शन का सिस्टम है जिसमें हम, इसकी इंटेंशन क्या है, प्रोड्यूस लर्निंग, किसके अंदर लर्निंग, लर्नर में। और एनल गेज की बात करें, टीचिंग इज अ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ द अनदर पर्सन। अगर हम इन डेफिनेशन को सम अप करें तो क्या ऑब्जेक्टिव निकल के आता है, टू ब्रिंग टीचिंग क्या है, अ डिजायरेबल मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर अमंग द लर्नर। एक लर्नर में, एक बच्चे के अंदर क्या आप मॉडिफिकेशन लाते हैं बिहेवियर में, वो है आपका शिक्षण। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कितना ज्ञान इकट्ठा कर पाते हैं, टू शेप द बिहेवियर, कैसे एक बिहेवियर को आप चेंज कर पाते हैं। टू इम्पार्ट लर्निंग स्किल्स, कैसे हम उसके अंदर लर्निंग के स्किल्स को इम्पार्ट कर पाते हैं और कैसे उसके बिलीफ्स को चेंज कर पाते हैं, दिस इज कॉल्ड टीचिंग। आजकल हमारी टीचिंग शिफ्ट हो रही, हमारी व्हाट इज द पैडागोजी, अगर पैडागोजी देखें, इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। पैडागोजी क्या है, आपके टीचिंग का आर्ट ऑफ साइंस, आर्ट एंड साइंस होता है। अब हमारी ये पैडागोजी चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है, इससे पहले ये टीचर सेंटर थी, आजकल ये लर्नर सेंटर हो चुकी है। पहले ये फिक्स डिजाइन था, आज ये फ्लेक्सिबल डिजाइन हो चुका है। पहले टीचर डायरेक्शन और डिसीजन लिया करते थे, आजकल ये लर्नर की अथॉरिटी है कि उनको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। पहले टीचर एक गाइडेंस था, आज एक टीचर फैसिलिटेटर है, टीचर आपको फैसिलिटेट कर रहा है आपकी टीचिंग को। पैसिव रिसेप्ट, सिर्फ लर्निंग क्या था, पहले पैसिव प्रोसेस था, लर्नर सिर्फ सुना करते थे, लेकिन आज ये एक्टिव प्रोसेस है, लर्नर भी इसमें फुली इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर आपका नॉलेज क्या है इसमें, पहले जब पुराने, पहले पैडागोजी की बात करें, नॉलेज को हम सिर्फ दिया करते थे, गिव एन अ फिक्स नॉलेज, आजकल ये फ्लेक्सिबल है। नॉलेज देना ही नहीं, टीचर को भी साथ साथ सीखना पड़ता है। अगर हम करेक्टर स्केच की बात करें, पहले तो हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सम व्यू ऑफ पॉइंट, टीचिंग हैज अ थ्री व्यू ऑफ पॉइंट, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड लेजर फेयर। अब अथॉरिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अथॉरिटेरियन की बात करें, इसमें टीचर सेंटर होता था। टीचर सेंटर मतलब सारे डिसीजन टीचर ही लेता है, जैसे केजी क्लास के बच्चे को हम, अगर बच्चे को टीचर टीच करने जाता है तो उसमें बच्चा डिसाइड नहीं करता, टीचर डिसाइड करता है कि उसको क्या टीच करना है, दिस इज कॉल्ड अथॉरिटेरियन। देन डेमोक्रेटिक, जब जहाँ पर स्टूडेंट सेंटर है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही टीचर टीच करेगा, टीचर ओनली अ फैसिलिटेटर, वो उनकी नॉलेज को सेटिस्फाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा नॉलेज को। अगर हम लाजर फेयर की बात करें, उसके अंदर टीचर एक ट्रू गाइडेंस है, इसके अंदर आपको टीचर एक प्रोजेक्ट वर्क देगा, आपको वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग गाइडेंस देगा, यू हैव टू डू द वर्क अकॉर्डिंग टू दैट गाइडेंस, दिस इज कॉल्ड द लाजर फेयर। इसमें फ्रीडम होती है दोनों को, टीचर को भी और स्टूडेंट को। अगर हम बात करें एक गुड टीचिंग की क्या करेक्टर स्केच होनी चाहिए, अगर अच्छी टीचिंग, अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो पहली होती होनी चाहिए अ डिजायर टू शेयर योर लव फॉर सब्जेक्ट विद द स्टूडेंट। अपने एक टीचर का अंदर जो सब्जेक्ट के प्रति प्यार है वो झलकना चाहिए बच्चे के सामने। दूसरा एक एबिलिटी है, टीचिंग क्या है, एक एबिलिटी है टू मेक मटीरियल बींग टोट सिमिलर स्टिमुलेटिंग एंड इंटरेस्ट, बच्चे के अंदर मोटिवेट करना, उसका इंटरेस्ट बढ़ाना, उसको और अच्छे शिक्षण की तरफ ले जाना, ये भी एक अच्छे टीचिंग की, अच्छे शिक्षण की निशानी होती है। दूसरा, अगर हम तीसरा बात करें, फैसिलिटेट करना। गुड इवनिंग जसमीत कौर, यस यस, थैंक यू सर, त्रिपाठी सर, कुलवंत सिंह, यस सॉरी सर, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ही था तो आपका ज़्यादा मिस नहीं हुआ कुलवंत सिंह, यस। करेक्टर स्केच क्या है हम कर रहे थे, तो थर्ड करेक्टर स्केच, इट इज अ कैपेसिटी टू एक्सप्लेन द मटेरियल इन अ वेरी प्लान वे, टीचिंग नोट ए सिंपल, इट इज अ सिस्टमेटिक प्लान वे, इसको सिस्टमेटिक प्लानिंग कर पढ़ाया जाता है। अगर हम फोर्थ करें, इट इज एंगेजिंग द स्टूडेंट्स इन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल तक, समझने के लेवल तक उसको एंगेज करना ही क्या है आपका अच्छा शिक्षण कहलाता है। Showing concern and respect for students, बच्चे के प्रति रिस्पेक्ट
और अपना कंसर्न, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कंसर्न शो करना, बच्चे की हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ये भी एक अच्छे शिक्षण की निशानी होती है। गिविंग हाईएस्ट क्वालिटी फीडबैक, अगर हम बच्चे को बात करें कि अच्छी क्वालिटी का फीडबैक देना, मतलब बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, उन सबको क्या अच्छा फीडबैक देना भी एक अच्छे शिक्षण की निशानी होती है। लास्ट हम बात करें तो अ डिज़ायर फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड अदर सोर्सेज अबाउट द इफेक्टिव टीचिंग एंड ही इज अ परफॉर्म, मतलब एक बच्चे को इफेक्टिव टीचिंग देना ताकि उनका उनका अपनी नॉलेज के प्रति, ज्ञान के प्रति उनका इंटरेस्ट जागरूक हो और उसकी तरफ वो और मोटिवेट हो। अब हम बातें करते हैं फीचर्स की, प्रकृति की, नेचर की, करेक्टर स्केच की ऑफ टीचिंग। तो पहले करेक्टर स्केच के हम सबसे बड़ी अच्छी और हमारे मेन क्वेश्चन में भी आती है, जो हमारे सिलेबस में भी है, इट हैज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के तीन अलग अलग तरह के लेवल होते हैं। अगर टीचिंग की बात करें, अगर हम प्रोग्रेसिव टीचिंग की बात करें, तो इसके अंदर तीन लेवल आते हैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मैं तीनों को कंपैरेटिव फॉर्म में बताऊंगी। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग प्रपोंडेड बाय द हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल गिवन बाय द मॉरिसन एंड रिफ्लेक्टिव लेवल गिवन बाय द हंट। हम इसको इसलिए कंपैरेटिव फॉर्म में कर रहे हैं ताकि आपको इजिली और जल्दी से समझ आ जाए। मेमोरी लेवल क्या है, द गिवन बाय द हर्बर्ट इन द थ्योरी ऑफ अप्रिशिएशन। हर्बर्ट की थ्योरी थी अप्रिशिएशन की, जिसमें उन्होंने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का जिक्र किया है। ऐसे ही मॉरिसन और बिगे की बुक आई थी लर्निंग थ्योरी फॉर टीचर, लर्निंग थ्योरी फॉर टीचर, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात की गई है एंड रिफ्लेक्टिव लेवल गिवन बाय द हंट। अगर हम मेमोरी लेवल की बात करें, इट इज अ इनिशियल स्टेज, बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज होती है। अगर हम कहें कि अगर किसी को, बच्चे को हमने फैक्चुअल नॉलेज देनी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है, प्रीरिक्विजिट है, ये जरूरी है, वो है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें, ये उन दोनों के बीच का है, मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के बीच का है, मतलब इसका स्टेज बिल्कुल मिडल में आता है। इसके बाद अगर हम हाईएस्ट लेवल की बात करें, सबसे ऊंचे स्तर की बात करें, तो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। मेमोरी लेवल इज अ वेरी थॉटलेस लेवल, मतलब इसमें समझ कम होती है, थोड़ा सा थॉटफुल है वो अंडरस्टैंडिंग है, और हाईएस्ट थॉटफुल है वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में सिर्फ नॉलेज को इम्पार्ट किया जाता है, ज्ञान को बच्चों को दिया जाता है। अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें, इसके अंदर कॉम्प्रीहेंड किया जाता है, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, ग्रास्प किया जाता है, जनरलाइजेशन ऑफ द फैक्ट्स होते हैं एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग सारी चीज़ें बताई जाती हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें, इसके अंदर आपका इंटरप्रिटेशन होता है, जो आपने सीखा है उससे आपने क्या समझा, क्या इंटरप्रेट किया, कंसेप्ट को किस तरह से इंटररिलेट किया बाकी चीज़ों के साथ, वो हमारा रिफ्लेक्टिव हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग होता है। अगर हम मेमोरी लेवल की बात करें, जो नॉलेज है वो मैकेनिकल प्रोसेस से एक्वायर की जाती है, मतलब रोट लर्निंग होता है, रट्टाफिकेशन होता है, जिसके अंदर मेमोराइजेशन पे बहुत ज़्यादा मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें, तो इसके अंदर मेमोरी लेवल को से ज़्यादा मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब इंसाइटफुल मेमोरी होती है। इंसाइटफुल मतलब समझकर याद करना, किस तरह से अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी करना। अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जिसमें आप सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोचेस होती हैं, मतलब आप रिसर्च लेवल से किसी बच्चे को आप रिफ्लेक्टिव लेवल पर सिखा रहे हैं। अगर इसमें टीचर के रोल की बात करें, तो हम मेमोरी लेवल में अथॉरिटेरियन होते हैं, और अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल में, इसमें टीचर क्या होता है आपका, डेमोक्रेटिक होता है। अगर हम रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें, इसमें टीचर का रोल लाज अफेयर होता है। अगर हम टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस की बात करें, तो मेमोरी लेवल में स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, उद्दीपक और उसका रिस्पॉन्स होता है। डेमोक्रेटिक जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में, उसमें इंटेलेक्चुअल बिहेवियर मतलब एक्टिव रोल होना चाहिए दोनों का, टीचर का भी और स्टूडेंट का, बहुत इक्वली पार्टिसिपेटेड टू गेट द नॉलेज। अगर हम बात करें आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में, इसमें सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ डायरेक्शंस और एक्टिव लर्नर एज वेल एज एक्टिव टीचर दोनों ही चाहिए। और अगर हम टीचिंग मैथड्स की बात करें, तो मेमोरी लेवल में आपका ड्रिल और रिव्यू, रिवीजन, आस्किंग क्वेश्चन,
जैसे आप केजी लेवल में ड्रिलिंग करवाते हैं, ओरल रिवीजन करवाते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ दिस मेमोरी लेवल। अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें, इसमें प्रिपरेशन होती है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, कंपैरिजन होता है, जनरलाइजेशंस होता है, एप्लीकेशंस होता है, सिंथेसिस होता है, दीज आर इवेल्युएट होता है, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की, इसमें रीजनिंग होती है, आपका लॉजिक होता है, आपका इमेजिनेशन होता है, आपका रिफ्लेक्शन होता है, इसके अलावा आपके अंदर की इनर पावर होती है। अगर बात करें इवेल्युएशन सिस्टम की, तो हमारा मेमोरी लेवल में इवेल्युएशन कैसा होता है, ओरल, रिटन और एसे टाइप। अगर हम अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपके इवेल्युएशन की बात करें, इसमें दो तरह का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। अगर हम आपको रिफ्लेक्टिव लेवल में चेक करें, इसमें सिर्फ ओनली एंड ओनली एसे टाइप इवेल्युएशन यूज किया जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये कहाँ कहाँ हेल्पफुल है, हमें कहाँ कहाँ सहायक है ये जो टीचिंग के लेवल है। अगर हम हेल्पफुल की बात करें, तो मेमोरी लेवल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, जैसे केजी क्लास हो गई, प्री केजी, जैसे हमारा फोर्थ सेकेंड हो गया, दीज स्टूडेंट्स, और वो लर्नर जो स्लो हैं, जो लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, उन पर लर्निंग, जिसमें किसी न्यू कंसेप्ट को लर्न करना है, तब भी मेमोरी लेवल आएगा। जिसके अंदर हम रिफ्लेक्टिव लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग लर्निंग की बात नहीं कर सकते, वो सब किस में आएंगे, मेमोरी लेवल में आएंगे। अब इसकी कुछ कहते हैं ना, जिसके साथ अब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, तो हमारे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं मेमोरी लेवल के। नेगेटिव पॉइंट क्या है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। इसमें हाईएस्ट लेवल के लिए ये सुटेबल नहीं है। अगर सेकंड बात करें, इसमें रोट लर्निंग और मैकेनिकल लर्निंग की बात की गई है। यस प्लीज हरजीत हंस, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ, प्लीज आप अभी टॉपिक पर रहिए, थैंक्स लॉट। अब हम बात करें रोट लर्निंग की, तो इसमें ये बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन इनसाइट लर्निंग में ये सक्सेसफुल नहीं है। कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहे थे, नेगेटिव पॉइंट क्या है आपका, डोमिनेंस ऑफ टीचिंग है। इसमें पूरी तरह टीचर का डोमिनेंस है, कहीं भी लर्नर का कोई रोल नहीं है। लिटिल, बहुत ही लिटिल इंट्रैक्शन है, टीचर और स्टूडेंट का इंट्रैक्शन बहुत ही कम है। मतलब जो टीचर पढ़ा रही है, बच्चा उसको एज इट इज फॉलो कर रहा है, इसके अंदर दोनों के अंदर आपस में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है। नो रूम फॉर द सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग के लिए इसमें कोई रूम नहीं है, और इसमें बहुत लो लेवल ऑफ रिटेंशन है, रिकॉल है। अगर हम रिटेंशन और रिकॉल की बात करें, क्योंकि हम मेमोरी लेवल अगर रोट लर्निंग करते हैं, तो कुछ समय बाद वो अपने आप ही वैनिश हो जाती है। अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल की, इसके हम कहाँ कहाँ ये हेल्पफुल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल इज अफेक्टिव लर्निंग टू डिवेलप द कोग्निटिव एबिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स। किसी बच्चे के अंदर कोग्निटिव एबिलिटी डेवलप करनी है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव लर्निंग। इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर क्लासरूम इंट्रैक्शन, इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ईगर एंड अर्ज फॉर लर्न समथिंग। अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें, इसके अंदर भी हाईएस्ट कॉग्निटिव एबिलिटी को उन्होंने अवॉइड किया है, लेस एम्फसिस ऑन द इंट्रिंसिक मेमोरी, इंट्रिंसिक मेमोरी पे उन्होंने बहुत कम काम किया हुआ है। नो इंडिविजुअल लर्निंग, इसमें कोई भी इंडिविजुअल लर्निंग के लिए स्पेस नहीं है, और ये भी क्या है, टीचर सेंटर है, और जिस तरह से आपकी मेमोरी लेवल टीचर सेंटर था। अब हम बात करें रिफ्लेक्टिव लर्निंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में कहाँ कहाँ हेल्पफुल है, ये हेल्पफुल है जहाँ आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन को टीच करना है, मतलब जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है, जो बच्चे अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनके लिए रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग बहुत बढ़िया है। उसके अंदर उनको प्रोजेक्ट वर्क देकर, उनको कोई काम देकर उनको बिजी रखा जा सकता है। जहाँ क्रिएटिविटी बूस्ट करनी है बच्चों के अंदर, वहाँ भी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आएगी। जहाँ सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ डायरेक्शन डेवलप करना है स्टूडेंट्स में, वहाँ भी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आएगा। और इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है आपके रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के, लोअर क्लास के लिए बिल्कुल भी बेनिफिटेड नहीं है ये, हमेशा ही हाई लेवल की टीचिंग, हाई लेवल स्टूडेंट्स के लिए इसको लो लेवल पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो एक्चुअली आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे नोट्स, आप भी सुन लीजिए। रोट लर्निंग क्या होती है, रोट लर्निंग जिसमें आप रट्टाफिकेशन करते हैं, बच्चे को मेमोराइज करवाते हैं, ड्रिलिंग करवाकर बच्चे को सिर्फ मेमोराइज करवाया जाता है चीज़ों को, मतलब आप जैसे ABCD रिवाइज करवाते लर्न करवाते, दीज आर द रोट लर्निंग। बच्चे को अंडरस्टैंडिंग लेवल कहीं नहीं है, सिर्फ उनको समझना है कि ए क्या है, बी क्या है, उसको सिर्फ
रट्टाफिकेशन से, उसको सिर्फ लर्न करवाना है. दिस इज कॉल्ड द रोट लर्निंग. इसमें कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सिर्फ मेमोराइजेशन होता है. ठीक है, क्रैमिंग करना, वेरी गुड. यस, अगर हम बात करें कहाँ कहाँ नेगेटिव पॉइंट रिफ्लेक्टिव लर्निंग के लिए फैला है, इसमें लोअर लर्नर के लिए कोई जगह नहीं है, लोअर लेवल ऑफ क्लास के लिए इसमें कोई जगह नहीं है. नॉट फॉर द डल स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द एक्सीड द बर्डन. इसमें टीचर का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब टीचर अपने लेवल से ज़्यादा काम करना पड़ता है इसके अंदर आपको. अगर हम बात करें सेकेंड करेक्टर स्केच, इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस. मतलब डायनेमिक किस तरह से, ए डायनेमिक एनवायरनमेंट मीन्स दैट डोमिनेटेड बाय द कम्युनिकेशन. ऑब्वियस है कि टीचिंग इज अ डायनेमिक इन नेचर, चेंज एक्ट टू टाइम एंड प्लेस. देखिए अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो इसके अंदर थ्री वेरिएबल, तीन चर की बात की गई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक चर कौन सा है आपका, टीचर. डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है आपका, स्टूडेंट्स. और इंटरवीनिंग वेरिएबल कौन सा है आपका, स्कूल, आपका एनवायरनमेंट जहां पर टीचिंग होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अकर होता है. इसको आप क्लासरूम एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, इसको आपको स्कूल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, फुली रिस्पॉन्सिबल है क्या टीच करवाया जा रहा है. डिपेंडेंट वेरिएबल जो उसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी वो सब किसके हाथ में है, टीचर के हाथ में है. और इंटरवीनिंग वेरिएबल में क्या आएंगे, कॉरिकुलम हो गया, मेथड ऑफ टीचिंग हो गया, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग्स हो गया, इंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स हो गया, टीचिंग एनवायरनमेंट हो गया. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएचर की बात करें, ये पूरी तरह से प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को. तो इसलिए तीन चर हैं जो एनवायरनमेंट से में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. अगर हम थर्ड करेक्टर स्केच की बात करें, टीचिंग का थर्ड डिफरेंट इसमें आपका आता है कि इट टेक्स प्लेस इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट. इसमें आपको एक चीज और आती है, अगर हम छोटे कंसेप्ट नैरो कंसेप्ट में चलें, इट इज अ टू पोलर, इसको बोलते हैं बायपोलर, मतलब टीचर और लर्नर. अगर हम इसको ब्रॉड कंसेप्ट में लें तो ये आता है आपका ट्राईपोलर, जिसमें टीचर, स्टूडेंट्स एंड कारिकुलम. अगर हम इसको बोले मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, आज का क्वेश्चन आता है कि आपके अंदर मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है आपके डायनेमिक एनवायरनमेंट का, वो है क्वाड्रपोलर, जिसके अंदर चार चीजें होती हैं. एक होता है टीचर, एक होता है लर्नर, इसको एक कारिकुलम, और फोर्थ वन इज द फिजिकल क्लाइमेट और आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट, जिसको हम डायनेमिक एनवायरनमेंट बोलते हैं. थर्ड इसकी करेक्टर स्केच है क्लोजली रिलेटेड टू द एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग. तीनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन आपस में किसी तरह ना क्लोज. अगर हम टीचिंग की बात करें टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर, अगर हम टीचिंग की बात करें ये क्या है आपका, बिहेवियर मॉडिफिकेशन है. अगर हम कंडीशनिंग की बात करें, ये आपके अंदर इम्प्रूवमेंट की बात की गई, लर्निंग के द्वारा इम्प्रूवमेंट की बात की गई. ट्रेनिंग की बात करें तो जो आप फिजिकल, जो आप टीचिंग में आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग में उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है स्किल्स का. ठीक है, मतलब कि आप अगर हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसको हम लैब में या कुछ किसी काम में सिखाएं तो वो क्या है आपका, ट्रेनिंग आ जाता है. इंस्ट्रक्शन की बात करें, इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, जिसके अंदर पूरी तरह टीचर के हाथ में होता है, उसने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं और टीचर स्टूडेंट्स को उसको फॉलो करना होता है. इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान को इकट्ठा करना. अगर हम इंडॉक्ट्रिनेशन की बात करें, इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, मतलब आपके बिलीफ को चेंज करना क्या है, इंडॉक्ट्रिनेशन. इट इज वेरी एसेंशियल इंटेलेक्चुअल, ऑब्वियस है टीचिंग इज अ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. इंटेलेक्चुअल कैसे, ये एक ज्ञानात्मक शिक्षण है, क्योंकि इसके अंदर टीचर केवल ज्ञान ही नहीं देता, ये आपके पूरी सिस्टमेटिकली प्लान करता है आपकी एक्टिविटी को, आपका करिकुलम प्रिपेयर करता है, आपकी ईयरली प्लानिंग की जाती है, आपका लेसन प्लान किया जाता है. इसके अंदर केवल आपको टीच करना ही नहीं है, टीच से रिलेटेड आपको इवेल्युएट करना है, फीडबैक देना है, आपको रिमेडियल टीचिंग देना है. दीज आर द प्रोसेस दैट कैन बी फॉलो इन द टीचिंग इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. अगर हम बात करें टीचिंग का फिफ्थ पॉइंट है, टीचिंग इज अ प्रोफेशन. प्रोफेशन कैसे है, ये एक व्यवसाय भी है. व्यवसाय कैसे है, इसके अंदर बीएड, एमएड की तरह से आपको प्रोफेशनल डिग्री है. वैसे तो सभी व्यवसायों का ऊपर सबसे बड़ा व्यवसाय है, क्योंकि टीचिंग ही है जो बाकी सभी व्यवसायों को प्रिपेयर करता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब टीचर के ही दिए हुए हैं. लेकिन आपको
टू पोल एडम ने दिया था, वेरी गुड। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डोंट वरी। नहीं रोज नहीं है, एडम ने ही दिया था। साहू आरती ने बिल्कुल ठीक बताया है, एडम्स ने दिया था, बाइपोलर का कंसेप्ट है। रोज ने आप नेक्स्ट अब आता है कि आपकी टीचिंग क्या है, ये एक साइन आर्ट, इट इज ए है। अगर हम बात करें नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द लेक्चर। हाँ श्योर मिलेंगे आपको, दिए जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्लीज। यस, अगर हम साइंस की बात करें, साइंस में क्या होता है, सिस्टमेटिक टेक्निक्स होती है किसी भी चीज को समझने की। ऐसे ही टीचिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाना, टीचिंग करना, इसलिए इसको साइंस बोला गया है। टीचर को ट्रेन किया जाता है कैसे सिस्टमेटिक वे में उसको टीच करना, लगे किस तरह से यूनिट प्लानिंग करनी है, कैसे उसको लेसन प्लानिंग करनी है, कौन से टीचिंग मेथड चूज करना है अकॉर्डिंग टू लर्नर नीड्स, कैसे उसको लर्नर के एनवायरमेंट को समझना है। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, साइंस में ही होता है। साइंस के अंदर जो प्लान और इसके अंदर कुछ आप प्रोसेस करें, टीचिंग में एक प्लानिंग है, प्रोसेस है, और उसका इवेल्युएशन है, फाइनल आउटकम है, सो इट इज कॉल्ड ए साइंस। इट इज अ सेल्फ ऑर्गेनाइज। सेल्फ ऑर्गेनाइज कैसे है, टीचर हु आर इन द पीपल हु आर इन द टीचिंग प्रोफेशन आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर लर्नर। जिसको टीचर को जैसे जो अपने अपने स्टूडेंट्स की एज फैक्टर, ग्रोथ और डेवलपमेंट के, कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिहेवियरल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग को ऑर्गेनाइज करता है, इसको बोलते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो टीचिंग क्या है, एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर डेफिनेट मैकेनिज्म यूज करते हैं टू प्रमोट द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग इन द और ग्रोथ इन द ग्रोथ इन द टीचिंग प्रोफेशन इज अ वेरी इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, इन अ वेरी डिफरेंट वे, एंड इट इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। स्पॉन्टेनियस मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है। एक हम जैसे अब कर रहे हैं सोशल सर्विस, ये एक सोशल सर्विस भी है, एक समाज की सेवा भी है। इसके अलावा ये लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग है, इसके अंदर बहुत लंबा पीरियड होता है सीखने का और सिखाने का। इट इज़ अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी कैसे, एक टीचर को ही अपना फुल प्लान करना पड़ता है, सिलेबस के अपना कॉरिकुलम प्लान करना पड़ता है, अपना ईयरली प्लानिंग करनी पड़ती है, अपनी टीचिंग एड के बारे में सोचना पड़ता है। ये उसके अंदर स्वतंत्रता है अपने हर चीज़ को प्लान करने की, अपने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचना पड़ता है, अपने मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में सोचना पड़ता है, और अपने क्राइटेरिया टेक्निक्स टू डिवाइड टू अपने प्रमोशन रूल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इसमें उसको ऑटोनॉमी है अपनी हर एक चीज़ को प्लान करने की, एग्जीक्यूट करने की इन करिकुलर एंड कोकरिकुलर एक्टिविटीज। टीचिंग लास्ट वन इज एज अ प्रोफेशन, मैं बताने जा रही थी आपको कि आप बीएड करते हैं, इसके लिए एमएड करते हैं, उनके अंदर स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, किस तरह के टीचिंग फाउंडेशंस प्रिपेयर किए जाएं, किस तरह का पाथवे बनाया जाए टीचिंग करियर के लिए। तो इट इज एंटेल ए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्टडी एंड इंटरमिटेंट ट्रेनिंग मैथड्स। टीचर हैज टू इम्प्रूव हिज एंड हर क्वालिफिकेशन फॉर द एडवांसमेंट इन टीचिंग कैरियर। अब आते हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, जिसको आप बोलते हैं आपके स्तर क्या है, टीचिंग के स्तर क्या है। मैगजिमम क्या होते हैं, ग्राउंड रूल्स होते हैं। ग्राउंड रूल्स मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल, किसको लिए, जिसके दैट आर दैट इज एवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट इज अ गाइड फॉर द फ्यूचर एक्शंस और बिहेवियर। टीचिंग हैज इट्स ओन सेट ऑफ मैगजीम्स विच हैव बिन डिस्कस। देखिए हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कैसे, टीचर शुड स्टार्ट। टीचर कैसे स्टार्ट करता है, टीचर शुड स्टार्ट विद अ सिंपल थिंग, मतलब बच्चे को पहले बिल्कुल सिंपल थिंग से पढ़ाते हुए फिर उसको उसके हाईएस्ट लेवल मतलब कॉम्प्लेक्स लेवल को पहले तो उनको ये बताएंगे छोटी से छोटी चीज कि आपका ये क्या होता है, एप्पल क्या होता है, फिर उसको बताएंगे इसका कलर क्या होता है, फिर बताएंगे फ्रूट्स क्या, ये क्या है फ्रूट है। आपको उसको डे टू डे एग्जाम्पल लेकर ग्रेजुअली टीचर उसके कंसेप्ट को, उसके टेक्निकल टर्म्स को बताते हुए उसकी नॉलेज को एनहेंस करता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और नंबर टू की बात करें, फ्रॉम नोन टू अननोन।
दिस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट, ये आपके पहले वाले चर से ही बिल्कुल मिलता जुलता है. कैसे, पहले वाले स्तर से कैसे मिलता है, इसमें रिटेंशन इज ऑलवेज बेटर इफ न्यू नॉलेज कैन बी लिंक्ड विद वन. अगर हम नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज से जोड़ते हुए चले जाएंगे तो आपको नोन से अननोन की तरफ इजिली मूव कर पाएंगे. दूसरा थर्ड पॉइंट है फ्रॉम सीन टू अनसीन, जो बच्चों ने देखा हुआ है उससे जो नहीं देखा हो उसकी तरफ ले जाना. यस, देयर शुड बी इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट एंड देन दे हैव कंसिडर्ड देन दे हैव अंडरस्टैंड द पास्ट एंड द फ्यूचर बेटर. अगर प्रेजेंट के बारे में समझ रहे हैं तो वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, सीन टू अनसीन की तरफ. देन आपका कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो नॉलेज आपको मेंटल डेवलपमेंट जो स्टूडेंट्स का होता है उसके अकॉर्डिंग उसको बेटर कंक्रीट ऑब्जेक्ट से लेकर फेमिलियर थिंग से लेकर उसको माइक्रो वर्ड से लेकर लेटर ऑन उसके हाई लेवल तक जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तक जाएंगे. फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल, स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंट विद द एग्जाम्पल. क्या या आपको किस तरह से एक्सप्लेन द थिंग्स, किस तरह से एक्सपेरिमेंट करके डेमोस्ट्रेशन देकर, जैसे साइंस सब्जेक्ट में करते हैं, जैसे मैथ सब्जेक्ट में करते हैं, हम एक उनको पर्टिकुलर थिंग बताते हैं क्लास में, फिर उनको जनरलाइज करके बताते हैं अपनी लैब में. दिस कॉल्ड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल. फ्रॉम होल टू पार्ट, गेस्टाल्ट का आपने लर्निंग में रूल पढ़ा होगा. गेस्टाल्ट क्या कहते हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, कि आपको पहले पूरा ट्री दिखाना है, उसके बाद उसकी उसके लीव्स के बारे में बताना है, उसके ब्रांचेस के बारे में बताना है, उसके ट्रंक के बारे में बताना है, उसके फ्रूट के बारे में, उसके सीड के बारे में, यानी कि पहले आपको होल ऑब्जेक्ट दिखाना है, देन आपको उनके स्मॉल पार्ट्स के बारे में बताना है. दिस इज कॉल्ड फ्रॉम होल टू पार्ट. देन नेक्स्ट है आपका फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट. टीचर शुड हेल्प टू ट्रांसफॉर्म अवर इनडेफिनेट नॉलेज फ्रॉम ए डेफिनेट नॉलेज. मतलब जो नॉलेज बच्चे के अंदर इनडेफिनेट है उसको डेफिनेट करने का काम कौन करता है, टीचर. ये भी एक सूत्र होता है जो टीचिंग में अप्लाई किया जाता है. फ्रॉम साइकोलॉजी टू लॉजिकल ऑर्डर, साइकोलॉजी बट आवर इनिशियल स्टेज इज साइकोलॉजिकल ऑर्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन वेयर एज ए ग्रो अप, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ता है, लर्नर बढ़ता है, वैसे उसका लॉजिकल ऑर्डर भी एनहेंस करता है, वैसे ही उसको एम्फेसाइज कॉग्निटिव एबिलिटी भी उसकी बढ़ती है, उसी अकॉर्डिंग उसके ही लॉजिकल लेवल की तरफ हम जाते हैं. फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, इनिशियली स्टूडेंट हैव अ वेरी लिटिल और ए वेरी वैग्यू नॉलेज, बोले स्मॉल नॉलेज, बहुत ही कम होती है अपने टॉपिक के बारे में. धीरे धीरे हम उसकी प्रॉब्लम्स के एरिया को डिवाइड करते हुए, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट की प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हुए, उसको मेन पार्ट को स्टडी उसकी मेन उसकी मेन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं. सिंथेसिस क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कनेक्टेड नॉलेज, आपकी नॉलेज जो कनेक्टेड है उसको सिंथेसाइज करना, उस नॉलेज को जो हमने एक्वायर किया उसको एनालाइज करना पार्ट वाइज. द टीचर शुड हैव बी एनालिटिकल एंड सिंथेटिक मैथड यूज टू इम्पार्ट द नॉलेज अमंग द स्टूडेंट्स. फॉलो नेचर्स क्या होती है बेटा, इट मीन्स रेगुलेट द एजुकेशन टू पीपल अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर. बच्चे की नेचर के अकॉर्डिंग आपकी टीचिंग के जो सूत्र रहेंगे वो उसको हम फॉलो नेचर्स बोलते हैं. ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस सबसे अच्छा दिया था, ये आपने देखा भी होगा मॉन्टेसरी में, केजी में एनए करते हैं कि बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं सेंस के द्वारा. कैसे, उनको चीज़ों को दिखाकर साइट के द्वारा, उनको टच करवा के, उनको टेस्ट करवा के, उनके हेयरिंग के द्वारा, और उनको अलग अलग पार्ट गेटवे के द्वारा नॉलेज इम्पार्ट करना. इट इज बेटर फॉर ऑल ओवर एंड मैक्सिमम लर्निंग. सबसे अच्छा तरीका है ट्रेनिंग ऑफ द सेंस. एनकरेजमेंट ऑफ द सेल्फ स्टडी, एनकरेजमेंट ऑफ द सेल्फ स्टडी. डाल्टन ने ये बहुत अच्छा मेथड दिया था सेल्फ स्टडी का. प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, अब आते हैं हम प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है टीचिंग के. टू टाइप के प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट है आपका जनरल प्रिंसिपल, सेकंड है आपका साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है बेटा, आपका जनरल प्रिंसिपल, सामान्य सिद्धांत, टीचिंग के सामान्य सिद्धांत की बात की गई है. पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन. करेक्टर स्केच खत्म हो चुके हैं बेटा, फीचर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं आपके, लेवल ऑफ टीचिंग भी हो चुका है, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग भी हो चुका है, हमने इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस भी कर ली हैं जिसमें आप मैक्सिमम टीचिंग के सूत्र जान चुके हैं. अब हम चल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की तरफ, जिसके अंदर सामान्य प्रिंसिपल और आपके
साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल चल रहे हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांत के अंदर आगे सब पार्ट्स हैं। पहला है आपका सामान्य सिद्धांत में देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बच्चे के अंदर मोटिवेट क्रिएट करना, नई चीजों के बारे में उसको इंस्पायर करना, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। फ्रोवेल का है, कडन गार्डन केडी सिस्टम में हम इम्प्लॉय हुआ था। इट शुड बी फिजिकली एंड मेंटल एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना, उसको चार्ट बनाने के लिए कहना, उसको मॉडल बनाने के लिए कहना, उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड ऑन द लर्निंग बाय डूइंग। थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट अराउज करना, मीन्स लर्निंग कम्युनिटी को लेकर उनके अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट लाना, उनके अंदर इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है। नॉट ओनली इन द टीचर, टीचर भी केवल टीचर के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा, वो बच्चे के लिए भी इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट में होंगे तभी ये प्रोसेस बहुत अच्छे से आगे जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, सबसे अच्छा प्रिंसिपल है कि हर एक चीज को आप अपने आसपास की चीजों से जोड़ के समझाएंगे तो वो जल्दी समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद द लाइफ। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, हमेशा टीचिंग का एक डेफिनेट एम, पर्टिकुलर एम जरूर होना चाहिए। विदाउट एम कोई भी चीज क्या है, विदाउट पर्पस कोई भी चीज इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द टीचिंग रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम लर्निंग कैन बी फोकस ओनली बाय डूइंग द डेफिनेट एम। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंस, सबसे बड़ा सिद्धांत है कि इंडिविजुअल डिफरेंस, हर इंडिविजुअल में, हर स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग का प्रोसेस डिफरेंट वे से चलता है। हर लर्निंग के स्टाइल, एवरी लर्नर हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, एवरी लर्नर हैव डिफरेंट एप्टीट्यूड, डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट कैपेबिलिटी, डिफरेंट पोटेंशियल, डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, टीचिंग मैथड भी उसके अकॉर्डिंग क्या किए जाएंगे, डिवाइस किए जाएंगे ताकि बच्चे के अंदर डिफरेंट फुल अपॉर्चुनिटी मिल सके उसको स्टडी करने की। दैट प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर अ टीचर कि अगर हम नॉलेज का होरिजन जानना है, एक्सपेंड करना है, तो हमें क्या करना है, सिलेक्शन, हमें चीजों को सिलेक्ट करना है। ये टीचिंग में आप सिस्टमेटिक वे में ऑप्टिमम लेवल तक जाना, ऑप्टिमम लेवल तक कब जा सकते हैं, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द रिसोर्सेज एंड विद इन द टाइम पीरियड। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन अगला क्या है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, नाइन्थ प्रिंसिपल चल रहा है आपका, टू मेक लर्निंग ईजियर। सब्जेक्ट मैटर शुड बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पार्ट। आप एकदम से इकट्ठा पढ़ाएंगे तो आपको बच्चे को समझ नहीं आएगा। अगर आप बच्चे को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में पढ़ाएंगे तो ईजिली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जैसे मैथ में आपके यूनिट होते हैं, उसमें सब चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर अलग अलग फॉर्मुलाबल बेसिस क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से आप अपने ही प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन अपनाकर बच्चे के अंदर लर्निंग को बूस्ट अप कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशंस एंड रिक्रिएशंस, क्रिएशन मतलब क्रिएटिविटी, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, एंटरटेन करना, बच्चे को एंटरटेन करके पढ़ाने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से अगर आप अपने सब्जेक्ट क्लासरूम एनवायरमेंट को अगर मैनेज करेंगे, ह्यूमरस करेंगे, उसमें क्रिएटिविटी लाएंगे, उसके अंदर आप एंटरटेन का कुछ पार्ट पुट करेंगे तो आपके लर्निंग क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लास्ट प्रिंसिपल, 12th प्रिंसिपल आपका जनरल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, मतलब टीचर को बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए। टीचिंग करते वक्त टीचर शुड बी डेमोक्रेटिक, आपको फ्रीडम देनी है लर्नर को ताकि वो अपनी चीज को आराम से सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ मोटिवेशन आए, जिससे कि वो आपके साथ हर चीज सेल्फ रिस्पेक्ट आए, जिससे आपकी हर चीज शेयरिंग करे, और इससे टीचिंग क्या हो जाएगी, इंटरेस्टिंग, और बच्चे के अंदर लर्निंग का पार्ट भी इंक्रीज होगा। तो आपका है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, फर्स्ट हमने कर लिए आपके जनरल प्रिंसिपल जो कि आपके 12th थे, अब हम कर रहे हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत टीचिंग के, आपके शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात करें तो पहला है आपका वही मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। टीचर शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स यूनिक साइकोलॉजी, हर बच्चे की अलग साइकोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल, अकॉर्डिंग टू देयर देयर
सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, बच्चे को उसी अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट करना, उसके अंदर एक मोटिव डालना, उसकी नीड को बूस्ट करना, उसके डिजायर्स, उसकी वांट को बढ़ाना, ताकि वो टीचिंग अपनी लर्निंग को और बूस्ट आउट कर सके। थर्ड सेकेंड आपका प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, एंटरटेन ह्यूमरस, अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट को ह्यूमरस देना, ताकि साइकोलॉजिकली आप बच्चे के माइंड को कैप्चर कर सकें। कैप्चर कैसे करना है, बहुत लेंथी क्लास नहीं लेनी है, ताकि बच्चे जब थक जाते हैं तो उनका मेंटल लेवल क्या होता है, फैटीग में वो सीख नहीं पाएंगे। तो आपको कम समय में कम पार्ट्स में पढ़ाकर बच्चे को इंटरटेन करते हुए आप अपने सब्जेक्ट मैटर को इनकलकेट करेंगे। मतलब आपको 10 मिनट 15 मिनट पढ़ाना है, फिर 5 मिनट का गैप देकर आपको इनको एंटरटेन करना है, फिर 15 मिनट। इस तरह से बच्चे के अंदर क्या आएगा, उसको फैटीक नहीं होगा, साइकोलॉजिकल फैटीक नहीं होगा। थर्ड क्या, प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन ऑफ एक्सरसाइज, बच्चे को बार बार चीज़ों को रिपीट करवाना, उनको एक्सरसाइज देना ताकि वो उस पर प्रैक्टिस करें, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल या MCQs पूछ के, ताकि उनके अंदर वो चीज़ क्या है, बच्चे के अंदर एक्सरसाइज देने से, अलग अलग प्रैक्टिस सेट देने से उसके अंदर नॉलेज है वो रिटेन रह जाएगा, रिटेंशन लेवल बढ़ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजमेंट, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, सबसे अच्छा है क्रिएटिविटी, बच्चे की क्रिएटिविटी बूस्ट करना, उनको मॉडल बनाने के लिए चार्ट, प्रोजेक्ट, उनकी नोटबुक में उनसे कुछ बनवाना इस तरह से, ताकि उनके अंदर क्या आ सके, ताकि वो एनकरेज हो सके, उनके अंदर क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब अपने एक्सप्रेशन को भी वो उसमें दे सके। ऑनलाइन टीचिंग में भी बच्चों को हम एक पर भी काम कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, आपस में बच्चों में कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा बच्चे को टीम वर्क देकर भी आप उनके अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी टीचिंग को बूस्ट आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, मैं समझती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, अगर हम रीइंफोर्स नहीं करेंगे, उनको फीडबैक नहीं देंगे, तब तक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको डिजायरेबल रिजल्ट के लिए बच्चे को क्या करना है, रीइंफोर्स करना है, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ द सेंस, छोटे बच्चों को पढ़ाना है या बड़े बच्चों को पढ़ाना है, उनको वो चीज़ प्रैक्टिकली दिखाना, हिस्टोरिकल कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे उनका टूर डेवलप करना, अगर हम बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं किस छोटी क्लास के बच्चों को, तो उनको वो चीज़ दिखाना, एप्पल दिखाना या उनको कंप्यूटर दिखाना, जो आप पढ़ा रहे हैं उसको आप सेंसेस से जो जितना अच्छे से समझा सकते हैं शायद ही आप किसी और तरीके से समझा सकें। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, बच्चे को रेमेडियल टीचिंग देना, जहां बच्चे की प्रॉब्लम प्रसिस्ट कर रही है वहां बच्चे की जब इवेलुएट करने पर रेमेडीज को फाउंड करना और उसको रेमेडी को आपको इरेडिकेट करना। अब है आपके ऑब्जेक्टिव्स, लास्ट पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, दो ऑब्जेक्टिव हैं, आपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ब्लूम ने, एक ब्लूम की क्लासिफिकेशन आती है, ब्लूम की क्लासिफिकेशन कैसे आती है, जिसके अंदर दो तीन पार्ट होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, जिसके अंदर फिर आपके अलग अलग डेवलप करने के लिए इंटेलेक्चुअल, जो कॉग्निटिव होता है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डेवलप करता है, जिसके अंदर आपके कोर लर्निंग डोमेन को डेवलप करने के लिए इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को क्या कहा जाता है, समझा जाता है, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट आते हैं। पहला है आपका नॉलेज, ज्ञान देना, दूसरा है आपका कॉम्प्रीहेंड करना, मतलब एबिलिटी टू ग्रास्प दिस नॉलेज थ्रू द डिफरेंट मटेरियल्स। थर्ड है आपका उसका एप्लीकेशन लेवल, मतलब जो आपने सीखा है, नॉलेज लिया है, उसको अप्लाई करना प्रैक्टिकल, यानी कि मेन लेवल पर। इसके बाद आता है एनालाइज करना, इट वो ब्रेक डाउन द लार्ज कंपोनेंट टू स्मॉल कंपोनेंट टू एनालाइज इन डिफरेंट मैनर एंड रिलेशनशिप, जैसे किसी का अंदर इंटर रिलेशनशिप दिखाना, डिफरेंट आइडियाज के बीच में आपको कंपेरिजन करना, ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। उसके बाद आता है आपका सिंथेसिस, सिंथेसिस में क्या आता है, इट बेसिकली कंबाइन एंड कॉन्स्टिट्यूट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ द होल, मतलब जो आपने पहले छोटे पार्ट में डिवाइड किया था उसको होल पार्ट में समझाना, इन ए वेरी एनाटॉमी ऑफ, इसको बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ एनालिसिस। लास्ट पार्ट है आपका इवेल्युएशन, इवेल्युएशन कैसे करते हैं, इट इज इन्वॉल्व द जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ मैथड मटीरियल बाई पर्टिकुलर पर्पसेस, जो आपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसको किया था उसको पर्टिकुलर पर्पस और जो मेथड और मटेरियल यूज किया था उसका कैसे इवेल्युएट करना कि ये कितने अच्छे हैं। एंडरसन ने, कुछ ब्लूम के फॉर्मर स्टूडेंट थे, उन्होंने दोबारा इसको रीअरेंज किया और जो न्यू रीअरेंजमेंट आई है एंडरसन के द्वारा, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। रिमेम्बरिंग कैसे, रिकॉल करना, रिट्राइव करना प्रीवियस लर्निंग नॉलेज को।
उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कैसे, कॉम्प्रीहेंड करना, मीनिंग, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रॉब्लम्स, दीज आर इन वन वर्ड्स. अप्लाइंग, जो आपने कंसेप्ट सीखा है उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई करना, उसको न्यू कंसेप्ट में जोड़ कर देखना. ये ब्लूम की थी, ब्लूम के स्टूडेंट थे, आगे एंडरसन ने इसको इम्प्रूव किया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ. रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन अप्लाइंग. अप्लाइंग चल रहे थे, यूज द कॉन्सेप्ट इन द न्यू सिचुएशन, यूज द अब्स्ट्रक्शंस, अप्लाई व्हाट यू हैव टू इन द क्लासरूम एंड व्हाट यू हैव नोवल सिचुएशन इन द वर्क प्लेस. लास्ट वो थर्ड वो फॉर फोर्थ वन है एनालाइजिंग. सेपरेट करना मटीरियल को, कंसेप्ट को कंपोनेंट पार्ट्स में, ताकि आप उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, और उसके इफेक्ट को और उसके आउटकम्स को, उसके रिजल्ट्स को, उसके इंफरेंस को समझ सकें. लास्ट वन है फिफ्थ वन है इवेल्युएटिंग. इवेल्युएट कैसे, जजमेंट करना कि आपने जो सीखा है वो मटीरियल, वो आइडियाज, वो कैसा, कि उसको वैल्यू देना. आगे क्रिएटिंग, जो आपने सीख लिया अपना नया स्ट्रक्चर क्रिएट करना, कि नया पैटर्न, नया डाइवर्स एलिमेंट निकालना, दीज आर कॉल्ड द क्रिएटिंग. ये आप अर्ली लेटेस्ट है जो उसमें इंप्रूव की गई है, किसके अंदर, ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन में. अब हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन की. अफेक्टिव डोमेन किससे है, ऐसे तो एक हम ह्यूमन बींग की बात करें, वो रैशनल ह्यूमन, रैशनल एनिमल है. कैसे, एंडाउमेंट और ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लव, सैम्पथी, टॉलरेंस, कॉपरेशन, फेलो बींग्स एंड सो मैनी अदर्स क्वालिटीज दैट मेक हिम ह्यूमन बींग्स. अगर हम ये क्वालिटीज की बात करें तो इमोशंस, फीलिंग्स, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन कैसे, अगर हम बच्चे के अंदर इसके साइकोलॉजी की बात करें, कैसे इसको डेवलप, कैसे इसको नर्चर किया जाए, कैसे उसको डेवलप किया जाए, उसके डिजायर, उसके पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उसके अंदर सोसाइटी को लेकर एडजस्टमेंट किया, इसकी क्वालिटी लाई जाए, बेटर एडजस्टमेंट लाई जाए, दीज ऑल आर इन द पार्ट ऑफ अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन रिलेटेड टू द एटीट्यूड, योर मोटिवेशन, योर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, योर वैल्यूइंग, योर लर्निंग टू अल्टीमेट इन कॉपरेशन, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, वे ऑफ लाइफ, दीज ऑल वी कैन से दैट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट लेवल. इसके अंदर आपके फिर आपके फाइव पार्ट आते हैं, रिसीविंग, विलिंगनेस टू लिसन, आपके वैल्यू से रिलेटेड आपकी बातों को सुनना, रिस्पोंड, उसमें पार्टिसिपेट करना, वैल्यूइंग, उसको अपने अंदर इन्वॉल्व करना पूरी तरह से, अरेंज और ऑर्गेनाइजिंग, इसके अंदर आप विलिंगनेस टू एडवोकेट ऑफ एन आइडिया, किसी आइडिया को एडवोकेट करना, देन द करेक्टराइजिंग, विलिंगनेस टू चेंज वन बिहेवियर और वन वे इन द अनदर वे. अब आते हैं साइकोमोटर डोमेन की तरफ. साइकोमोटर किससे होते हैं बेटा, आपके टेक्निकली स्किल्स के बारे में, एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स, जिसके अंदर आपके फाइव डिफरेंट लेवल्स हैं. फर्स्ट है आपका इमिटेशन, नकल करना, किसी की डेमोस्ट्रेट किया हुआ स्किल, किसी का देख लिया आपने उस स्किल को, आपकी नकल करना, ट्राई टू डू द सेम वर्क, दिस इज कॉल्ड इमिटेशन. देन मैनिपुलेशन, जो आपने इमिटेट किया, लर्नर ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद दिस वेरियस फैक्ट और मैनिपुलेट द मशीनरी, इक्विपमेंट एंड स्किल्स, दिस इज कॉल्ड द मैनिपुलेशन. अगर थर्ड बात करें, प्रिसीजन की बात करते हैं, जिसके अंदर परफॉर्मिंग द वेरियस एक्ट इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, इन अ वेरी डिफरेंट वे से उसकी प्रैक्टिस करके उसको परफॉर्म करना, दिस इज प्रिसीजन. देन द आर्टिकुलेशन, द डिजायर लेवल ऑफ डिजायर एफिकेटिवनेस एंड एफिकेसी थ्रू द प्रैक्टिस, मतलब एक चीज की आप प्रैक्टिस करके अंदर उसके अंदर एक महारत हासिल करना, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन. देन नेचुरलाइजेशन, स्किल्स को इंटरनलाइज करना, मतलब अपने अंदर अडॉप्ट करना, मॉडिफाई करना, डिजाइन करना, न्यू टेक्नोलॉजी और मेथड बनाना, प्रोसीजर बनाना, ये सब किसके अंदर आता है आपका, नेचुरलाइजेशन की. ये है आपका था ब्लूम टैक्सोनॉमी. अब आपके गैगने एंड बिगे क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपका इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मतलब कैसे, then the skills are closely for handling with the environment. Environment के according these concept learning, rule learning, problem solving, these are part of the intellectual skills. Second part है आपका cognitive strategies, जिसके अंदर आप methods, techniques of one learning, remembering, thinking skills, these are part of the cognitive strategies. थर्ड पार्ट आपका वर्बल इंफॉर्मेशन, इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. इससे पहले आप क्या कर रहे थे, अपना कॉग्निटिव डोमेन स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, इंटेलेक्चुअल डोमेन, उसके बाद आपने आए वर्बल इंफॉर्मेशन की तरफ, आए आपने बुक्स पढ़ी, किताबें पढ़ी, फिर आए मोटर स्किल की तरफ, जिसके अंदर आपके मोटर स्किल में नर्वस सिस्टम, ब्रेन, मसल्स, मतलब जो आपने पढ़ा है उसको फिजिकली देखना या करके देखना,
फिफ्थ है आपका एटीट्यूड। इसके अंदर पूरी तरह से आपकी अभिरुचि बदल जाना, आपके अंदर की क्षमताओं को चेंज लाना, वो क्या है आपका गेगने एंड बिगे क्लासिफिकेशन ऑफ। नाउ लेट्स अगर हम बात करें एक मेथड ऑफ टीचिंग की, तो हम मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो हमारे पास अगर दो तरह के मेथड होते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर मेथड। लेकिन आज एक और तरह से मिक्स स्ट्रेटजी भी आ चुकी है। अगर टीचर सेंटर की बात करें, लेक्चर जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, उसमें अंदर टीचर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। फिर आपका टीम टीचिंग, इसमें टीम टीचिंग होती है, हर टीचर को अलग अलग टास्क प्रोवाइड किया जाता है, अलग अलग टीचिंग मेथड प्रोवाइड किया जाता है और वो टीम टीचिंग करते हैं। फिर आता है टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन, टीवी और वीडियो जिसमें सिर्फ ऑडियंस सुनती है, दीज आर कॉल्ड द टीचर सेंटर्ड मेथड। सबकी अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। सो बहुत कम समय रह गया है तो मैं अभी इतना पूरी डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। लर्नर सेंटर्ड कौन से होते हैं? ट्यूटोरियल्स, जिसमें बच्चे ट्यूटोरियल्स प्रिपेयर करते हैं, इसके अंदर बच्चों को असाइनमेंट्स दी जाती हैं, प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं, केस स्टडीज दी जाती हैं करने के लिए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं आपको, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग लर्निंग वर्क दिया जाता है जिसको हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग ज्यादा CAL दिया जाता है, इंटरेक्टिव वीडियोस दिए जाते हैं और ओपन लर्निंग बुक्स, ओपन बुक लर्निंग हो गया, ओपन लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है PSI किया जाता है, और आपका हेरिस्टिक मैथड, खोज मैथड जिसको डिस्कवरी मैथड बोलते हैं, वो क्या है आपके लर्नर सेंटर्ड मैथड। हर किसी मैथड की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब आते हैं मिक्स्ड, जो अब नए आए हैं, वो है आपका ग्रुप डिस्कशन GD, आपस में एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करना और उसके अंदर से जो आपको बेसिक निकल के आता है वो एक एनरिचमेंट मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट है आपका सेमिनार, जिसके अंदर आप जो रिसर्च करते हैं उससे रिलेटेड जो आप रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं या निकालते हैं, उसके अपनी फाइंडिंग को, अपने सजेशंस को दिखाना, वो क्या है आपका सेमिनार। उसके बाद पैनल डिस्कशंस होते हैं, पैनल में आप 4 या 5 व्यक्ति होते हैं जिसके आप एक ही बात को, जो एक ही प्रोजेक्ट पे डिस्कशन चलता है उसको पैनल डिस्कशन बोला जाता है। ब्रेन स्ट्रॉमिंग, इसके अंदर ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज दी जाती है ताकि बच्चों का PSA लेवल स्ट्रोक किया जा सके। इसके बाद प्रोजेक्ट मेथड और वर्क होता है जिसके अंदर मिक्स दो टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर वर्क करते हैं, एंड ट्यूटोरियल्स जिसके अंदर टीचर इंफॉर्मेटिव सेशन प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट उसके अंदर आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, केस स्टडीज, टीचर केस स्टडी बोलेगा बच्चों से रिलेटेड कौन सा मेथड सीख क्या है उसके बारे में रिप्लाई करेगा जिससे उसकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। रोल प्लेइंग, टीचर एक रोल प्ले करेगा, स्टूडेंट रोल प्ले करेगा ताकि उसके अंदर उसको समझने के लिए इंटेलेक्चुअल लेवल उसका हाईएस्ट लेवल तक जा सके। स्टिमुलेशन आगे है, साइमुलेशंस एंड देन डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन अलग अलग चीज़ को डेमोस्ट्रेट करना बच्चे को दिखाना कि वो प्रैक्टिकल लेवल में ले जाकर, और वो जब क्या साइमुलेशन होता है कि क्रिएट कर देना, जैसे कि आपने आगरा सिटी को यहीं क्रिएट कर दिया, वो है साइमुलेशन। मतलब स्टूडेंट के अंदर वही चीज़, स्टूडेंट को वो चीज़ क्रिएट करके दिखाना, वो बोलते हैं साइमुलेशन टीचिंग। दीज आर द टीचिंग। अब हम चलते हैं आपके लर्नर की तरफ। वैसे मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स रह गए हैं, मेरे को लर्नर का पार्ट भी दिया गया था। तो लर्निंग क्या है, सबसे पहले आएंगे लर्निंग के कंसेप्ट की तरफ। लर्निंग इज अ प्रोसेस, प्रोसेस कैसे है, वेयर बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अंडरगोस चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस। जब बच्चे का एक लर्नर का बिहेवियर चेंज होता है उसको बोलते हैं लर्निंग। इसे टीचिंग एक प्रोसेस था, वैसे लर्निंग भी एक क्या है, प्रोसेस है। लर्निंग बेसिकली साइकोलॉजिकल, अगर हम करें इज बेसिकली साइकोलॉजिकल इन नेचर, मतलब अगर हम साइकोलॉजिकल देखें तो ये एक साइकोलॉजिकल नेचर है। सेकेंड देखें, इट रिलेट्स टू परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर, मतलब आप किसके अंदर परमानेंट बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहते हैं, कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस हो गया, एक्वायर एक्सपीरियंस हो गए, दिस इज कॉल्ड द लर्निंग। लर्निंग इज अ वे, एक डेफिनेशन और निकल के आती है, लर्निंग इज अ वे through which human beings acquire skills, knowledge, attitude, values. The outcome of learning are the new capabilities possessed by the learner. अगर हम लर्नर की बात करें कि एलिमेंट क्या है आपके लर्निंग के, लर्निंग इवेंट की बात करें, लर्निंग इवेंट के मेन आपके एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट खुद लर्नर ही होता है। द लर्नर मस्ट बी इंटरप्रेट, स्टिमुलेट, डिफरेंशिएट एंड कंबाइन एंड गिवन द सम मीनिंग। दूसरा आता है स्टिमुलस, आपको एलिमेंट बता रही हूँ मैं आपको, आपके लर्निंग इवेंट के एलिमेंट फर्स्ट बताया मैंने आपको, लर्नर खुद जो सीख रहा है, सीखने वाला वो खुद।
वो किस तरह से इंटरप्रेट करता है, कौन से स्टिमुलस को लेता है, कौन किस तरह से डिफरेंशिएट करता है, किस तरह चीज़ों को कंबाइन करता है, किस तरह से न्यू मीनिंग निकाल के आता है, वो लर्नर का वर्क होता है। स्टिमुलस की बात करें, स्टिमुलस की बात करें, एनी स्टिमुलस और सेट ऑफ स्टिमुलेशन दैट गिव द लर्नर ए सेंसिटिव आर कैन बिकम ए पार्ट ऑफ लर्निंग सिचुएशन, ताकि वो ऐसा स्टिमुलस दे ताकि वो लर्निंग सिचुएशन का पार्ट बन सके लर्नर, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। थर्ड है बेटा इंटरनल कंडीशनिंग ऑफ द लर्नर, देयर इज दीज आर परसेप्शन, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, सेल्फ कंसेप्ट, एटीट्यूड, नीड, मोटिव्स, इंटेलिजेंस, प्रीवियस लर्निंग, प्री रिक्विजिट नॉलेज, दीज आर द पार्ट मेन कंडीशंस ऑफ द लर्निंग। ये लर्निंग का सबसे मेन कंडीशन होता है। अब हम बात कर रहे हैं लर्निंग इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट, पहला लर्नर, दूसरा स्टिमुलस, तीसरा इंटरनल पार्ट में कौन कौन से हो गए आपके, एटीट्यूड, नीड, मोटिव, सेल्फ कंसेप्ट, आपका इंटेलिजेंस लेवल, आपकी प्रीवियस नॉलेज। थर्ड लास्ट वन है आपका रेस्पॉन्स, एनी एक्शंस हैव सम रिएक्शंस। तो उसी तरह से हर सिचुएशन में लर्निंग के बाद आपको अगर रिएक्शन मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, आपको प्रॉपर रेनफोर्समेंट मिलेगा, तो आपकी लर्निंग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मेन स्टेप क्या है, एंटी एग्जाम में कई बार इसका क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी स्टेप सबसे पूछ लिया जाता है कि आपके लर्निंग प्रोसेस के स्टेप क्या होते हैं। पहला स्टेप होता है रिसेप्शन। रिसेप्शन कैसे, गेनिंग अटेंशन। कैसे अटेंशन करना, बाय मेकिंग सम एडेप्टेड चेंजेस स्टिमुलस और स्टिमुलाई। स्टिमुलस और स्टिमुलाई में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस करके आपके अंदर अटेंशन को गेन करना ही क्या है आपका रिसेप्शन, किसी चीज को रिसीव करना रिसेप्शन। दूसरा आपका एक्सपेक्टेंसी, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन लर्निंग और ऑब्जेक्टिव्स, एबल टू लर्न आफ्टर, मतलब लर्निंग के बाद भी आपके अंदर वो लर्निंग रहे, दिस इज आर द एक्सपेक्टेंसी। रिट्रेवल टू मेकिंग मेमोरी, स्टिमुलस रिकॉल ऑफ पीरियर नॉलेज, स्टिमुलस साइमल्टेनियस मतलब कंटिन्यूअस रिकॉल ऑफ पीरियर नॉलेज, पहले वाली नॉलेज को बार बार रिकॉल करना, रिट्राइव करना, ये भी क्या है, प्रोसेस है। पहले रिसेप्शन करना, फिर आपका एक्सपेक्टेंसी, आप एक्सपेक्टेशन रखना कि आपको ये आता होगा, फिर आपकी रिकॉल करवाना प्रीवियस लर्निंग को, उसके बाद सिलेक्शन करना परसेप्शन का। परसेप्शन कैसे, याद दिलवाने के लिए डिस्टिंक्ट इवेंट्स को, डिस्टिंक्ट मटेरियल को बताना, उसको बोलते हैं हम परसेप्शन। उसके बाद है सिमेंटिक अनकोडिंग, जिसके अंदर आपको दोबारा से गाइडेंस दी जाती है आपकी लर्निंग को आगे बढ़ाने की। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग, इसमें लर्नर क्वेश्चन पूछता है जो उसे उसको परफॉर्म करना है उससे रिलेटेड। उसके बाद है रीइंफोर्समेंट, अगर टीचर को लगता है कि रिस्पॉन्ड ठीक हो रहा है तो वो उसको रीइंफोर्स करता है, ताकि उसको फीडबैक देता है, ताकि उसकी लर्निंग क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके बाद है रिट्राइवल एंड रिस्पॉन्समेंट, एडिशनल रिट्राइवल, रिस्पॉन्ड देगा टीचर उससे, एडिशनल फीडबैक देगा, एडिशनल उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी, जिससे क्या होगा उसका लर्निंग और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद है जनरलाइजेशन, अब लर्नर क्या करता है, जितना उसने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करता है, जनरलाइज करता है, वो क्या है, लास्ट प्रोसेस है आपके लर्निंग प्रोसेस का। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है आपका लर्निंग प्रोसेस में से। पहला है रिसेप्शन, फिर है एक्सपेक्टेंसी, टीचर की क्या एक्सपेक्टेंसी है, देन आपके रिट्राइवल टू वर्किंग ऑन द मेमोरी, आपकी मेमोरी मेमोरी पर वर्क करता है टीचर, देन सिलेक्ट करता है डिफरेंट परसेप्शंस। उसके बाद सिमेंटिक एनकोडिंग करता है, लर्नर रिस्पॉन्डिंग करता है, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, देन रिट्रीवल एंड रीइंफोर्समेंट होता है, देन जनरलाइजेशन होता है स्टूडेंट के साथ, अब वो लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब आती है बात टाइप्स ऑफ लर्नर की, लर्नर कितनी तरह के होते हैं। लर्निंग करेक्टर स्केच के अकॉर्डिंग देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल सोशल एट्रीब्यूट लर्नर का डिफरेंट डिफरेंट होगा, उनका एज और मेच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग, उनके मोटिवेशन और उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपेक्टेशन और वोकेशनल एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग, उनके स्पेशल इवेंट्स, मतलब बच्चे के अंदर की वोकेशनल एस्पिरेशन क्या है, उसकी क्या इच्छा है, क्या बनना है, उसको क्या व्यवसाय चूज करना है, क्या उसके अंदर एक्सपेक्टेंसी है, क्या उसके अंदर अपने ज्ञान है, क्या उसके अंदर क्वालिटीज है, क्या उसका स्पेशल टैलेंट है, क्या उसके अंदर मैकेनिकल डेक्सटरिटी है, क्या उसके अंदर एबिलिटी टू वर्क है, किस वर्क एनवायरनमेंट कंडीशन में वो बहुत कंफर्टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग क्या होती है डिफरेंट होती है, उसकी पर्सनल और सोशल एट्रीब्यूट बोल सकते हैं इसको। दूसरे होते हैं आपके फील्ड इंडिपेंडेंट और फील्ड डिपेंडेंट। फील्ड क्या है यहाँ पर, सराउंडिंग। फील्ड क्या है यहाँ पर, सराउंडिंग। सम पीपल्स आर मोर और लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द फील्ड, कुछ लोगों को फील्ड का इन्फ्लुएंस कम पड़ता है, उसको फील्ड
इंडिपेंडेंट बोलते हैं, लेकिन कुछ लर्नर के ऊपर फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। मतलब क्लास में अगर शोर है या आसपास को कोई इंटरप्शंस है या फिर सेल्फ स्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस हैं, तो उसमें उसको क्या होगा, उसको बोलते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स। अब बात आती है नेक्स्ट, आता है रिफ्लेक्टिव और इम्पल्सिव। रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट लर्नर कौन से होते हैं, जो बात को गहराई तक सोचते हैं, उसके अंदर रिस्पॉन्स करने से पहले नंबर ऑफ टाइम वो उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ एरर्स ढूंढते हैं, कंसेप्चुअल टेमो लगाते हैं, उस टेम्पो लगाते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लर्नर। इम्पल्सिव की बात क्या, लर्नर हु रिस्पॉन्ड फ्यूर मिस्टेक्स, वो बहुत कम मिस्टेक करते हैं, वो बहुत मतलब रिफ्लेक्टिव बहुत कम मिस्टेक करते हैं, और जो इम्पल्सिव होते हैं वो ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। इम्पल्सिव इमोशंस के हाथ में होते हैं और रिफ्लेक्टिव मेमोरी लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब जिनका मेमोरी लेवल स्ट्रॉन्ग होता है, एरर कम होता है, और रिफ्लेक्टिव हैं, जिनका इमोशंस ज़्यादा हावी होते हैं वो क्या होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। उसके बाद आते हैं क्लासरूम बेस्ड लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट करता है आपके लर्नर के करेक्टर स्केच को। इसमें आप अगर बात करें, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो देख कर सीखते हैं विजुअल लर्नर, कुछ सुनकर सीखते हैं और वो आपके होते हैं ऑडिटरी लर्नर, कुछ आपके हाथ से काम करके सीखते हैं जैसे द मोटर लर्नर। इसके अंदर भी आपके अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे इंट्यूटिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव। इंट्यूटिव की बात करें, इसके अंदर इंसाइट होता है। इंडक्टिव की बात करें, ये फैक्ट्स से जनरलाइज की तरफ जाते हैं। अगर डिडक्टिव की बात करें, ये थ्योरी से इंडिविजुअल फैक्ट की तरफ जाते हैं, अपोजिट होता है हमेशा। और रिफ्लेक्टिवली की बात करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, मतलब बैठ के अंदर से अपने आप को, अपने आप को पहचानना, इंट्रोस्पेक्शन करना रिफ्लेक्टिव होते हैं। और आगे लर्नर की करेक्टर स्किल ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल कैसे हो सकती हैं, कुछ एक्टिव लर्निंग होता, एक्टिव लिसनर होते हैं, मतलब जो आपकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और उसको ग्रास्प कर रहे हैं, वो एक्टिव लिसनर है। कुछ ऐसे होते हैं एम्पैथिक, मतलब एक्टिव तो रहते हैं दिखने में लेकिन उनका माइंड कहीं और होता है, उसको बोलते हैं एम्पैथिक, जिसके अंदर वो हाफ प्रेजेंट होते हैं। इवेल्युएटिंग लिसनिंग, इसमें क्रिटिकल लिसनिंग आती है, कुछ आपकी लिसनिंग के अंदर से कुछ मीनिंगलेस या मीनिंग कुछ ऐसे अनयूटिलिटी वर्ड निकाल कर आपको स्पीकर को मैसेज करते हैं, जिससे कि मतलब यूटिलिटी ऑफ स्पीकर मैसेज को इवेल्युएट करते हैं, कुछ मतलब आप स्टडी की तरफ ले जाकर उसको इवेल्युएशन की तरफ ले जाते हैं। लास्ट वन होते हैं अप्रिशिएटिव लर्नर लिसनिंग, जिसके अंदर इंजॉय भी कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वो फन भी कर रहे हैं, वो इमोशनली भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो फिजिकली भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके लर्नर ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल। पहले लर्निंग स्टाइल था, फिर लिसनिंग स्टाइल हो गया, अब हो गया आपका थिंकिंग स्टाइल। रिफ्लेक्टिव थिंकर, जिसके मतलब कि वो न्यू इन्फॉर्मेशन की रिस्पेक्ट करेंगे। ओनली 3 मिनट रह गए हैं, अभी आपका एक टॉपिक पूरा रह गया करेक्टर स्केच, वो कल हम कंप्लीट करेंगे। कल हमारा कंटिन्यू लेक्चर है एडोलसेंस और अडल्ट के अंदर करेक्टर स्केच का डिफरेंसेस क्या है, वो हम कल डिफरेंस पूरे आराम से करेंगे, अभी मैं इसको सिर्फ कंप्लीट करूँगी। रिफ्लेक्टिव थिंकर व्यू न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब जो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने माइंड से, रिस्पेक्ट करते हैं सब्जेक्ट की, और वो उसमें अंदर पूरा माइंड से इन्वॉल्व होते हैं और इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं, जिसके अंदर वो पास्ट एक्सपीरियंस से अपनी नई इन्फॉर्मेशन को मिलाकर भी देखते हैं, और हमेशा एक ही क्वेश्चन के दिमाग में रहता है वाई। वो अपनी फीलिंग्स को साइड में रखते हैं और अपनी लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान कंसंट्रेट करते हैं। दूसरे होते हैं क्रिएटिव थिंकर, जो आपने समझाया है उसको सीख कर कुछ क्रिएट करते हैं, मतलब ये ऑलवेज ये क्या करेंगे, क्रिएट न्यू सॉल्यूशंस, न्यू शॉर्टकट्स। आपने जैसे मैंने कुछ सिखाया, उसके न्यू शॉर्टकट्स निकाल देने, न्यू सॉल्यूशंस निकाल देने, दीज आर क्रिएटिव थिंकर। ये आपके डिफरेंट लर्नर स्टाइल हैं, जो लर्निंग के करेक्टर्स के डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे हम तीसरा है आपका प्रैक्टिकल थिंकर। प्रैक्टिकल थिंकर क्या है, प्लीज लुक फॉर द ऑलवेज लुक फॉर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो फैक्ट दिखाई देगा, प्रैक्टिकली दिखाई देगा, उसी को ही सीखेंगे, उसी के बारे में ही सोचेंगे, वो नहीं सोचेंगे कि उन्होंने क्या मतलब पढ़ाया है क्या नहीं, लेकिन जो उन्होंने प्रैक्टिकली देखा है क्लासरूम में, जैसे मैं आपको टीचिंग के बारे में पढ़ा रही हूँ, जो प्रैक्टिकली वो फील कर रहे हैं वो होते हैं प्रैक्टिकल थिंकर, जिसके अंदर वो सिंपलेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट मेथड होता है कि टू डू वर्क, प्रैक्टिकली वो वर्क करते हैं, उसको सीखते हैं। उसके अंदर वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, उसको जब तक अप्लाई ना कर ले अपनी नॉलेज को अपनी जॉब में या अदर अपने इंटरेस्ट में, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते, वो होते हैं प्रैक्टिकल थिंकर। लास्ट वन है बेटा आपके कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल थिंकर कौन होते हैं, एक्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना, उनकी बड़ी पिक्चर्स को देखने के बाद, उनका बड़ा कंसेप्ट देखने के बाद, उसके बाद वॉन्ट टू नो हाउ थिंक वर्क, ये जानना कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, फाइनल आउटकम पे नहीं जाना, उसका वर्किंग प्रोसेस देखना, उसको बोलते हैं कंसेप्चुअल थिंकर। लर्न द कंसेप्ट दैट आर प्रेजेंट बट ऑल्सो वॉन्ट टू लेट द न्यू कंसेप्ट, के प्रेजेंट कंसेप्ट को नहीं पढ़ना, लेकिन
आपके नए कंसेप्ट को भी उसके अंदर इवॉल्व करना, मतलब आपके प्रेजेंट नॉलेज से न्यू नॉलेज आना, वो क्या है आपका, इसको उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब कंसेप्चुअल थिंकर मेनली किस पर काम करते हैं, कंसेप्ट के ऊपर, अपने पुराने कंसेप्ट से नए कंसेप्ट पे आना, और उसको कहते हैं कंसेप्चुअल थिंकर। हमें कितने थिंकर पढ़े, चार, रिफ्लेक्टिव थिंकर, क्रिएटिव थिंकर, प्रैक्टिकल थिंकर एंड कंसेप्चुअल थिंकर। मैं अभी अपना लेक्चर यहीं फिनिश करती हूँ। थैंक्स अलॉट सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मुझे फ्रूटफुल कमेंट मिले। इसी लेक्चर को हम कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपका एडोलसेंस और एडल्ट लर्नर के डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर को हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपके एकेडमिक करेक्टर्स के चलेंगे, उनके सोशल करेक्टर्स आ जाएंगे, उनके इमोशनल करेक्टर्स आ जाएंगे और उनके कॉग्निटिव करेक्टर आ जाएंगे। उन सभी के साथ एडोलसेंस और एडल्ट को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। थैंक्स लॉट, थैंक यू फॉर योर फ्रूटफुलमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक टीचिंग एंड लर्नर। यस श्योर, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, यस नोट भी प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन भी प्रोवाइड हो जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, आने की एक्सपेक्टेशन है वो भी आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।